अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल ने हलब में जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो काबिले सताइश है। उसने आलम इस्लाम को बहुत बड़ी खूनरेजी से बचाया है। दुआन बमसी और अफसिन पाशा जख्मी है और अर्तुरुल भाई की हालत नाजुक है। क्या तुर्कुत क्यों नहीं आया? आज के बाद उस गद्दार का किसी ने नाम भी लिया तो जुबान खींच लूंगा, मैं कसम खाता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम बमसी? कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए तुम्हें। हमारा ये हाल सलीबियों ने नहीं किया है किस, ये सब किया धरा उसी गद्दार तुर्कुत का है। अगर कुछ हमारे खिलाफ लिखा हो उसने तो क्या करेंगे हम? फिर तो हमें सलीबी जाबाजों के इज्तिमा से पहले हर सूरत ठिकाने लगाना होगा इसे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान सलामत है, जुर्रत भी है और हम ज़हीन भी हैं। सरदारी की ये सब खूबियां रखने वाले गुंदुगदु पर एतबार है हमें और हमें यकीन है कि ये कारनामा ये बखूबी अंजाम दे सकता है। वो साथियों के साथ आ पहुंचा और अर्तुरुल उसकी सांसें चल रही थी। लानत हो, वो बच गया तो सुकून का सांस नसीब नहीं होगा। कुर्दोहलू से मालूम करता हूं सूरत हाल, अभी आराम करो, सुबह देखते हैं। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। जिंदा आ गया हूं। खुशामदीद तुर्कुत। गलत नाम ले लिया मैंने तुम्हारा, यहूदा। काम मुकम्मल हो गया तुम्हारा? खून मिल्लत पर पड़ा था वो और उसके चेले भी, मगर सांस ले रहा था वो। अर्तुरुल जब तक जिंदा है मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये दवा इतनी कसरत से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें जागते में भी खौफनाक ख्यालात आएंगे।
तुम्हारी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। ईसा दौरा, रहमदिल शहजादी, तो यहां है आप। ये आप जैसी बुलंद मर्तबा शहजादी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में अलाउद्दीन की दुल्हन के जहेज का कारवां मैं खुद ले जाना चाहता हूं। बाबा, इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। कैसे? हम सुल्तान अलाउद्दीन का एतमाद भी हासिल कर लेंगे और सलीबियों से भी आमना सामना हो जाएगा। मुझे पूरा शक है सलीबी इस शादी में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश करेंगे और कारवान की राह में भी रोड़ा अटकाएंगे। यानी इसका मतलब है शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। बाबा, इस वक्त सलीबियों को सबक सिखाने का और अपने कबीले के परचम को सरबुलंद करने का बेहतरीन मौका है हमारे पास। इसलिए मैं ये अहम काम अपने हाथों से सर अंजाम देना चाहता हूं। ठीक है, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। आमीन। बहुत शुक्रिया बाबा। हाय मखाना, आओ बेटी। मखाना, बहुत थक गए हैं आप, आराम कर लीजिए। मैं हूं अर्तुरुल के पास ख्याल रखने के लिए। दुनदार को भी जरूरत है आपकी। माँ होना आसान नहीं होता अलीमा। जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद की चाहत क्या होती है। औलाद चाहे कहीं भी रहे लेकिन मां का दिल उसी के साथ ही धड़कता है। अर्तुरुल का ख्याल रखना बेटी। आप बेफिक्र हो जाए हायमा खानम। के हवाले नहीं करोगे और तुमने अपना वादा निभाया अर्तुरुल। तुम्हारे भरोसे ने मुझे उस वक्त जिंदा रहने का हौसला दिया था जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मैंने तब हार नहीं मानी थी और अब तुम हार नहीं मान सकते।
वापस आ जाओ अर्थुर। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अच्छा, तो मुझसे सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी की बात छुपाई जा रही थी। जब ये कारवा कोनिया से चला भी नहीं था, हमें तब से इसका इल्म है। ये शादी पानी फेर देगी हम लोगों के मंसूबों पर कुर्दोगलू, और इसका नुकसान तुम्हें भी होगा। ये कारवान मलिका शाम तक कभी नहीं पहुंचेगा। नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। कारवान की हर खबर है मेरे पास, और ये भी मालूम है कि सुल्तान ने काय कबीले से मदद तलब की है, लेकिन मुझे बस एक शख्स खटक रहा है। अर्थरुल, वो कारवां की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि वो जख्मी पड़ा है और शायद ही जिंदा बचे। तुरगुत ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उसे हमारे रास्ते से हटाकर जहन्नम वासिल करने की, लेकिन फिर भी वो बदबख्त जिंदा बच गया। जो भी कारवां के साथ जाएगा जिंदा नहीं आ पाएगा वो वापस। कारवान से हम निपट लेंगे। कबीले में तुम अपने कदम मजबूती से जमा लो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। अर्थुरुल की जो हालत है इस वक्त, सुलेमान शाह को गिराने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरा सब्र भी अब जवाब दे चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं रोज बरोज। आज नहीं तो कल हर एक की बात जान जाएगा कि तुमसे राबते में हूं मैं। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि हम दोनों की सोच एक जैसी है, मगर उन दोनों को तुम्हें पहले मेरे हवाले करना होगा। यानी इब्नुल अरबी और शहजादा यगित। तो आपकी तिला के लिए अर्ज है कि इब्नुल अरबी तो कल रवाना हो रहा है, और उसके साथ एक दरवेश के अलावा और कोई नहीं होगा। बेहतरीन। और वो शहजादा यगित, उसकी आप फिक्र न करें, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। मुझे मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है, फिर भी बाबा के हुक्म के बारे में तुम मुझे कुछ मत बताओ। सेलजान, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा और कौन मौजूद है? दीवारों के भी कान होते हैं। अल्लाह महफूज रखे तुम्हें दुश्मनों से। सोचो, अलाउद्दीन ने बसाते खुद खास अपना एलची भेजकर बाबा से मदद मांगी है। उसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, लेकिन असल बात यह है कि बाबा ने तुम्हें इस जिम्मेदारी का अहल समझा। इन बदलते हालात का तुम्हें बखूबी अंदाजा है कुंदुक्तु। तुमने मुकाबला करके सलीबियों को शिकस्त दी और अपने भाई और जवानों को बचाकर कबीले वापस लेकर आए। बेहतरीन खरीदार ढूंढा मवेशियों के लिए तुमने। तरक्की और खुशहाली लेकर आए हो तुम इस कबीले के लिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ कुंदुक्तु? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। ये सब तुम्हारे और आने वाले बच्चे के लिए, मगर एहतियात मुकद्दम है। सिपाहियों को भी मत बताओ कि कारवां की मंजिल क्या है और किस मकसद से जा रहे हो। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कर किसी को खबर हो गई और उसने ये बात सलीबियों तक पहुंचा दी तो फिर। और चाचा? उनसे तो बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कुंदोक्तु। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम कोई तरकीब करके उनके खरे या खोटे होने का यकीन कर लो, ताकि बाद में नुकसान ना हो। तुम्हारे सरदार बनने के बाद वही करीब होंगे, और अगर वो भी भरोसे के लायक ना हुए तो तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो फिर तुमने क्या सोचा कुंदुक्तु? रवाना होने से पहले चाचा को जरूर बताऊंगा। लेकिन पूरा सच नहीं। अच्छा, तो तुम उन्हें अपना मंसूबा बताकर परखना चाहते हो? अगर चचा गद्दार है तो सलीबियों को मुखबरी करके जरूर मेरे लिए जाल बिछाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मारना मेरा हक होगा, और अगर वो गद्दार नहीं तो मेरी सरदारी में सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे।
मेरी बच्ची। बाबा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत खतरा है। आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता मिला है मुझे। देने वाले से शिफा याब कर। आमीन। अल्लाह ने अपना करम कर दिया बेटी, लेकिन बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। अब हम रवाना होते हैं। अगर आप कुछ दिन और रुक जाते। इत्मीनान रखो बेटी, ये बहादुर बहुत दुआओं के इसार में है। मैं एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूँ तुम्हारे, अर्तुल के सेहत याब होने के बाद इसके हवाले कर देना, लेकिन हरगिज उसे खोल कर मत देखना। अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी उसकी। बहुत अच्छी तदबीर निकाली है तुमने। काय कबीले के जंगजू बहुत कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी की सूरत में ये जवान भी नशे के अजाब से बच जाएगा। मैं उनको लेकर ही आऊंगी बाबा, और आप यहाँ से आजाद हो जाएंगे। शेख इब्नुल अरबी से मुलाकात का शरफ हासिल हो तुम्हें तो उनसे कहना कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हर वक्त उनके लिए दुआ गो हूं मैं, वो मेरे मोहसिन है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज बाबा, कुछ दिन की बात है, बहुत जल्द हम साथ होंगे। किसका क्या करें भाई, वो तो हमें दुश्मन समझ रही है। मुझे लगता है ये भी उस गद्दार के साथ जा मिली है। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये हमारी मुखबरी कर रही हो। बस करो। क्यों बस करूं बमसी, अगर मैं तुम्हें आकर ये बताता कि तुर्गुत ने अर्तुरुल भाई पर हमला किया है तो उसी वक्त मैं तुम्हारा गला दबा देता। हाँ उसने भी वही किया। लेकिन भाई हमें कैसे पता चलेगा क्या आइकिस गद्दार है या नहीं? पहले तो जाकर तुर्कुत को पकड़ना है, फिर उसके बाद उसको उल्टा लटकाएंगे और एक एक सच उगलवाएंगे उससे। अगर उसने मुंह ना खोला तो उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके स्याह होने तक पकाएंगे और कहेंगे ये रहा तुम्हारा तुर्कुत। उसने खा लिया तो
याद है जब सलजान ने आयकिस को कोड़े मारे थे? उन कोड़ों की तकलीफ मामूली लगेगी। मैं उसके साथ वो करूंगा कि जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर खुदावंद से अपने गुनाहों की माफी चाहते हो तो मदद करो मेरी। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ आपकी। मुझे किले से बाहर जाना है। मगर फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप कहाँ जाएंगी? काई कबीले, अर्तुरुल को ढूंढने और आयकस को तुर्गुत की खबर देनी है। उसकी मंगेतर है वो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाए अंदर। जब से मैंने होश संभाला है तब से उससे मोहब्बत की है मैंने। वही सब कुछ है मेरा और उस शख्स को मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। एक साथ जिंदगी गुजारने के अहद पैमा किए हैं हमने एक दूसरे से। उसके बिना मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे बिन पानी की मछली। मछली जब पानी से बाहर आ जाती है तो वो अपनी जान दे देती है। ये दुनिया उसके बिना मेरे लिए कब्र से ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उससे वादा किया था कि अगर मैं किसी और का सोचूं भी तो मौत आ जाए मुझे। मैं उस पर कुर्बान कर सकती हूं अपनी जिंदगी। लेकिन अगर तुर्गुत ने हकीकत में ऐसा किया है तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अगर आप उस गद्दार के पीछे गए और मुझे अपने साथ ना लेकर गए तो याद रहे आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। सलीबी किले में तशद्दुद के दौरान एक अजीब किस्म का पानी पिलाया जाता था, नीले रंग का। बेपनाह तशद्दुद झेला है उसने। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है मगर अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारी रवानगी का वक्त आन पहुंचा है। मैं शर्मिंदा हूं कि हम अच्छी तरह से आपकी खिदमत नहीं कर पाए। ऐसा न कहें। दोबारा कब तशरीफ आवरी होगी? बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंतजार रहेंगे। अल्लाह हामी और नासिर हो आपका। दुआओं की सख्त जरूरत है हमें आपकी। दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी हमारी। शुक्रिया। शाबाश, बहुत आला, शाबाश।
खूब, बहुत खूब जवाना। बहुत आला निशाना है, शाबाश। हमजा, इन जवानों के वालिदैन से इजाजत तलब कर लो और मुलाकात करवा दो, ताकि ये अपने बच्चों और घर वालों से अच्छी तरह मिल ले और जंग के लिए तैयार हो जाए। जी भाई, समझ गया। खैरियत तो है गुंदूक दो? क्या शिकार का इरादा है? कुछ छुपा भी है कभी आपकी नजर से? अगर छुपाना चाहे भी कोई तो कुर्दोगलू से नहीं छुपा सकता। अच्छा, तो फिर कहां की तैयारी है? क्या दोबारा सलीबियों से महाजाराई करने के लिए जा रहे हो खामोशी के साथ? मुझे नहीं बताओगे क्या इरादा है? आप पर पूरा एतमाद है मुझे, मेरे लिए बाबा के बाद आप ही तो बड़े हैं। तो फिर कुछ तो बताओ मुझे, ये सब तैयारी किस लिए? अलाउद्दीन के एलची आ रहे हैं, हमें उनसे बुरसा की पहाड़ी पर मिलना है और बाहिफाजत शाम तक पहुंचाना है। अलाउद्दीन शाम के अमीर की भतीजी से शादी का ख्वाहिशमंद है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। तुम्हें दोबारा से आग में झोंका जा रहा है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि सलीबियों को अगर इसकी भिनक भी पड़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बात का किसी से जिक्र न करके बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि जब तक हम अंदर मौजूद काली भेड़ों को ना पहचान लें, हर कदम हमें बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। कोई और बात तो नहीं करनी तुम्हें उससे? नहीं, और तो कोई बात नहीं, बस दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं गुंदुक्तु। बहुत शुक्रिया। तुम अब रवाना हो जाओ और कोहे बुरसा पे घात लगा लो। मैं शाम दूसरे रास्ते से होता बचाऊंगा। अगर सलीबियों में से या कुर्दोगलू के आदमियों में से भी कोई आसपास नजर आए तो गर्दन उड़ा देना, सोचना नहीं। जैसा आपका हुक्म भाई। देखते हैं अब कि क्या वाकई चचा गद्दार है या वफादार। इब्नुल अरबी को मारने के लिए पूरे लश्कर को क्यों भेजा आपने? तुम्हारे लिए बहुत से अहम काम सोच रखे हैं मैंने।
एक बूढ़े और दरवेश को मारना तो बहुत मामूली सा काम है। हुक्म कीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन ने काई कबीले की हिफाजत में शाम की शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए कारवां रवाना किया है। उसके एलची, उसका कारवां और ना ही उसकी हिफाजत पर फायज कुंदोक्तु, कोई भी जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए टाइटोस वहां। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अवतालिया, एक काम तुम्हारे लिए भी है। हर हाल में कार्डिनल का लिखा मरासला तुम्हें हासिल करना है आज रात। कार्डिनल जब इस दबा के जेरे असर गहरी नींद में होगा, हम उसकी तहरीर सतर दर सतर पढ़ लेंगे। अगर उसने हमारे खिलाफ बकवास लिखी होगी तो उसकी नींद को अबदी नींद में बदल देंगे। उसके बाद तुम शाम रवाना हो जाओगी। अगर हाथ से सूरत हाल निकल जाती है तो कोई भी साजिश करके तुम कोनिया रवाना हो जाओगी और दुल्हन को महल से नहीं निकलने दोगी। से दुआ है कि वो तुम सब पर रहम करे। तुम्हारे पास जो मुकद्दस अमानतों वाला संदूक है, जिसमें मौजूद चीजों को आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, उसे हमारे हवाले कर दो। अगर हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती पर। इंसान को किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो उसके लिए तुम्हें लौ लगानी पड़ेगी अपने रब करीम से। अल्लाह के कुर्ब के लिए रूह का पाक होना जरूरी है। खुदा तुम्हें हिदायत अता करे। नीचे रखो ये सामान। संदूक कहाँ है? वो यहां है। अगर तुम जानना चाहते हो तो बयान कर देता हूं मैं, और अगर तलवार के जोर पे हासिल करना है तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चों। छोड़ दो हजरत का रास्ता, इन्हें अपनी राह जाने दो। जान से मार दो इसे। मेरी आंख लग गई थी। तुम सारी रात नहीं सोई हाइमा? जाओ आराम करो जाके। मैं यहीं हूं इसके पास। अर्थरुल को देख आया हूं। हाँ? बहुत बेहतर है वो।
या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत शुक्र है। जाओ आराम करो जाके। और वो कुर्दोगलू की खबर आई? नहीं, कुंदोगलू के मंसूबे का नतीजा शाम तक मालूम होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि कुर्दोगलू को जैसा हम समझ रहे हैं वो वैसा ना निकले। इंशाल्लाह सुलेमान, इंशाल्लाह। अगर वो गद्दार निकला तो मैं उसे इसकी बहुत कड़ी सजा दूंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने भाई से जाकर खुद माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत सोचा उसके बारे में। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। माफ कर दे मुझे। अपने जैसा दरवेश बना दे मुझे। पूरी जिंदगी वक्फ कर दूंगा मैं। खींचकर यहां पर फंसा दो, इसे अलग अलग करो ताकि ये सूख जाए। तुम जाके जरा दूसरा काम देखो। गुंडोगदू आया था तुम्हारे पास? आया था। बेवकूफ समझ रहा है कि मैं उसके जाल में फंस गया हूँ, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन अब उसे अपने चाचा पर भरोसा करना ही पड़ेगा और वही मेरी सच्चाई की गवाही देगा। लगता है उन्हें शक हो गया हम दोनों पर। हाइमा खानम को परेशान मत हो, सब शकों को शुभ दूर हो जाएंगे। वो कैसे? मौसम बाहर की आमद है सजान खातून, अपने इर्द गिर्द देखो, हंसो मुस्कुराओ। कहानियां मत सुनाओ मुझे, काम की बात करो। तो सुनो, कबीले का गद्दार आज सबके सामने बेनकाब हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है। लेकिन कैसे सामने आएगा? अर्थरूल की लाश के पास। अब खुश हो जाओ तुम। बैठो यहां। तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल है, बेफिक्र हो जाएं, आज काम हो जाएगा। बहुत खूब।
खोलो इसे। बहुत शुक्रिया आपका। अर्तुल को मारने के बाद और इनाम मिलेगा। क्या करोगे तुम इतनी दौलत का अल्परगो? मुझे कबीले में सबसे ज्यादा मवेशियों का मालिक बनना है। अहमक, इसको मालूम ही नहीं कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। तुम्हारी कुर्बानी रहेगा ना जाए। बहुत खूब शहजादी साहिबा। तो फुर्सत मिल गई आपको बाहर आने की। शहजादी हलीमा तो शायद हमें अपने काबिल ही नहीं समझती है। कलाम करना तो दूर की बात, और मशहूर यह है कि मैं तो कबीले की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। कुछ भी कर लो, हाथ नहीं आएगा। सलजान खातून, आपकी ये बेतुकी बातें मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चूंकि आपने अभी एक दुख सहा है, इसलिए मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहती। तुम्हें तो फरिश्ता बनने का बहुत शौक है ना? अगर दूसरों के जज्बात का इतना ही एहसास है ना तुम्हें, तो क्यों दुखाया मेरी बहन का दिल? है कोई जवाब? आपकी बहन के साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो कोकचे के बारे में ना ही कभी बुरा कहा और ना ही कभी सोचा। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी महल से भागी हुई लड़कियों को। तुम्हारी जैसी तो कितनी मिल जाती है। घाट घाट का पानी पिया है हमने। अंदाजा हो रहा है मुझे इस बात का अच्छी तरह सलजान खातून। मैंने पहले ही दिन समझा दिया था तुम्हें कि ये कबीला तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। अपने लिए कोई और जगह ढूंढो और जाओ यहाँ से। मेरा खदशा सही निकला। सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आई हैं, और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। गोकचे के साथ ना मैंने बुरा किया है कभी, ना आप चाहती हूँ। और बाबा की जुबान? कुछ समझी नहीं मैं। गोकचे की शादी अर्तुरुल के साथ ही होगी, ये उनकी वसीयत है। कुछ भी हो जाए, अर्तुरुल उनकी हुकूमत उली कभी नहीं कर सकता। अगर तुम ये नहीं जानती थी तो या तो तुम अंधी हो, या इरादे नेक नहीं तुम्हारे, या फिर इसने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। मुझसे अर्तुरुल मोहब्बत करता है सलजान खातून। मैं उसकी खातिर तख्त और ताज सब ठुकरा चुकी हूँ। उसके सिवा मुझे कोई यहाँ से नहीं भेज सकता। उसी के कहने से मैं यहाँ आई हूँ, और अगर वो कह देगा तो चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ उसी के हुक्म पर। उसके सिवा मेरी नजर में किसी के हुक्म की अहमियत नहीं। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। जाहिर है तुमसे उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिलेगा। या तो तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए, या फिर अर्तुरुल को कुछ हो जाए। और ऐसा जल्द ही होने वाला है। की अमान में रहो फरजत। इंशाल्लाह बाबा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। आमीन।
चलो जवानों, बिस्मिल्लाह। सारे गद्दार सर उठाने लगते हैं, फिर कोई भी तूफान थीमा नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि वही बेहतर वक्त होता है सरदार के लिए मनसब छोड़ने का। उस्ताद आजम पेट्रोशियो की भतीजी हूं मैं, तुरगुत की खबर देनी है।